चलो मैं आपको बता रहा था आईयूपीएसी ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड ये मैं आपको बता रहा था एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आईयूपीएसी ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रो कार्बन है ना ये था तो इसमें मैंने आपको बता दिया था भाई जल्दी से एक बार देख लो जैसे ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है इसको तो इथिन बोलते हैं अगर ये कहीं लगा होगा तो क्या बोलेंगे इसको विनाइल है ना और क्या बताया था एथ इन एथिनाइल याद है विनाइल है ना और अगर ये होता है CH2 टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री तो इसको तो बोलेंगे प्रोप इन है ना प्रोप इन प्रॉप क्या है वर्ड रूट है इन क्या है सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स तो अगर ये कहीं से अटैच होगा तो क्या बोलते थे याद है तुम्हें सी एच सी एच टू सी एच टू क्या बोलते थे भाई इसको एलाइल हम्म बोलते थे एलाइल ठीक है चलो सारा याद है तुम्हें अब करते हैं रूल लिखते हैं तो अब ध्यान रखना देखो जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे ठीक है फिर मान लिया दो लॉन्गेस्ट चेन है तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे जिसमें नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट ज्यादा आते थे अब ध्यान रखना वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आएगा पहली बात तो ठीक है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आएगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो लिख लेना रूल वन इसके अंदर वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर चेन लिख लो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन लिखते हो साथ साथ कंटेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड लिख लिया भाई अब वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आएगा वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे ठीक है अब जैसे ये देखो एग्जांपल ठीक है अब आप देखो वन टू थ्री फोर या चलो इसको एक और कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है अब कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे आप अब? अब देखो ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसके अंदर नाइन है ये तो लॉन्गेस्ट चेन है कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल वोड आएगा ना बहुत आसान रूल है क्लास में प्रैक्टिस करते हुए हम लोग चल रहे हैं ठीक है तो देखो इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ है लेकिन इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट है वन, टू, फोर, सिक, सेवन, एट है तो एट वाली भी दो है तो कौन सी सिलेक्ट करोगे ये ऊपर वाली या ये नीचे वाली ऊपर वाली नीचे वाली यहां भी आठ है अभी तो कंफर्म है ना हम कौन सी कंसिडर करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा अब लॉन्गेस्ट भूल गए आप वैसे यहां देखो तो नाइन आ रहे हैं पर वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड आएगा तो नीचे वाली सारे बच्चे बता रहे नीचे वाली ये सेलेक्ट कर लो भाई ये सेलेक्ट करेंगे लिखो पहला रूल आ गया समझ में वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आएगा अब दूसरा आपको पता है वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट भी ज्यादा होंगे देखो यहाँ भी आठ कार्बन है इसमें और यहाँ भी आठ कार्बन है पर यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट क्या है ज्यादा है तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आए और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट भी आए लिख लिया नोट कर लो चलो देखो इधर जितने हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे ना उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी रूल टू क्या है बेटा वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आएगा और वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट ज्यादा होंगे लिख लेना सेलेक्ट द चेन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट विच कंटेन सेकंड में लिख लेना चाहे पहले भी हम लिख चुके हैं इसको मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूंट वो चेन सिलेक्ट कर, करेंगे जिसमें सब्सिट्यूएंट भी ज्यादा और मल्टीपल बॉन्ड भी आए लिखा जिसके अंदर सब्सटीटेंट भी ज्यादा हो और मल्टीपल बॉन्ड भी आए तो देखो हमने ये चेन सिलेक्ट कर ली इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया सब्सटीटेंट देखो एक ये हो गया इसके अंदर कलर चेंज करते एक एक ये ये हो गया एक है एक ये है तो इस चेन में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूंट भी ज्यादा है और इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी है अब आपको अगर सर ये चेन क्यों नहीं सिलेक्ट की इसमें तो नो कार्बन है पर जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो चाहे वो लॉन्गेस्ट ना हो ठीक है अब ये देखो यहां भी आठ कार्बन है और इधर भी आठ कार्बन है तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूंट ज्यादा है लिख लिया भाई नोट कर लिया अब इसकी हमने करनी है नंबरिंग स्टार्ट तीन नंबर number. नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे उधर से स्टार्ट करो जिस जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले हाँ लेफ्ट से लिख लेना नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड लिख लो मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी स्टार्ट फ्रॉम द एंड जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले कर लिया नोट साथ नोट करते जाओ अब कर लो भाई नंबरिंग कर दो स्टार्ट ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आप देखो फोर पे क्या आ रहा है बेटा ब्यूटाइल ये क्या ब्यूटाइल है ब्यूटाइल है, है? इथाइल है, है ना और ये क्या है मिथाइल है ये तो सब्सिट्यूंट आ गए मिथाइल इथाइल और ब्यूटाइल अब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा फोर पर लिखो साथ, साथ फोर ब्यूटाइल इसके बाद आएगा फोर इथाइल है ना ये हाइफन लगाते हैं डेस डेस लगाते हैं फोर इथाइल फिर क्या आएगा सिक्स मिथाइल टोटल कार्बन कितने आठ ऑक्ट इन ऑक्ट इन सही है भाई यही आएगा फोर ब्यूटाइल फोर इथाइल सिक्स मिथाइल ऑक्ट इन वन इन लिखने की जरूरत नहीं है ऑक्ट इन लिख सकते हो क्लियर है यस, डाई ट्राई को नहीं देखना है डाई ट्राई को तब देखते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स का नाम हो कॉम्प्लेक्स के नाम के अंदर आए ठीक है चलो हटा दू हो गया चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट नाम इसका पहला क्वेश्चन दूसरा बोलो जल्दी बताओ नाम फर्स्ट का नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे देखो अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं जिसने देख लिया कर लिया देख लो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन तो यही सिलेक्ट करेंगे है ना लॉन्गेस्ट चेन यही है अब नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ तो डबल बॉन्ड ही है लोएस्ट नंबर मिले है ना अब इसमें लोएस्ट सेट ऑफ नहीं देखेंगे देखो देखा जाए तो ये है है या है इथाइल दो मिथाइल है पर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले है ना नोट कर लेना अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो यहाँ दो तीन चार पांच इसको फाइव नंबर मिलता इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्री नंबर तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए अब इसका नाम लिखो क्या आएगा सिक्स इथाइल लिखो साथ साथ। ethyl, seven, seven, seven seven के बीच में लगाते है सेवन सेवन डाई मिथाइल टोटल कार्बन एट ओक्ट थ्री इन यही है भाई कोई कंफ्यूजन बोलो यही है यस yes. अरे बताओ ठीक है ना चलो नेक्स्ट देखो ठीक है अब यहां पर नंबरिंग कहा से करोगे देखो वन टू एक है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सर वाई थ्री इन वन टू थ्री ऑक्ट थ्री न बेटा वन टू थ्री पर है ना डबल बॉन्ड इसलिए ऑक्ट थ्री इन या थ्री ऑक्टिन भी लिख सकते हो इसको थ्री ऑक्टिन भी लिख सकते हो है ना सेकंड वाला लिखो डाई मिथाइल पहले नहीं आएगा बेटा डाई ट्राई तब अल्फाबेटिकल में यूज करते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स का नाम हो ठीक है आप रूल भूल जाते हो जल्दी पहले नहीं आएगा डाई हाँ कॉम्प्लेक्स के नाम के अंदर डाई ट्राई होता है तो तब उसको कंसीडर कर लेते हैं देखो ध्यान से ठीक है ऑक्ट इन सो थ्री ब्यूटाइल थ्री इथाइल सिक्स मिथाइल ऑक्टीन थ्री वन वन डाई मिथाइल इथाइल थ्री इथाइल मिथाइल ऑक्टीन चलो देखो चेक करते हैं भाई सबसे पहले तो रूल के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे पहले तो चेन सिलेक्ट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इथाइल को खोल के लिख दो ये है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट काफी लोगों ने बिल्कुल सही किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ये आ जाएगा अब देखो ये चेन सेलेक्ट क्यों की और नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट की क्योंकि इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है लोएस्ट नंबर मिल रहा है आप कोई और चेन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव पांच आते इसमें कितने आ रहे हैं आठ आ रहे हैं अब देखो ये भी सब्सटीट्यूएंट है ये भी सब्सटीट्यूएंट है ठीक है और इधर ये भी सब्सटीट्यूएंट है क्लियर है पर ये है बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट इसकी नंबरिंग वन टू क्या लिखोगे इसको अलग से लिख लो वन वन डाई मिथाइल अब जो पहले तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा था ना कि सर डाई वाला आपने पहले क्यों नहीं लिखा डाई मिथाइल इथाइल इथाइल अब देखो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स का नाम है ना कॉम्प्लेक्स का नाम है इसके अंदर डाई को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करोगे क्लियर है बात है ना अब क्या लिखोगे इसको देखो यहां पर क्या है मिथाइल है और इधर क्या इथाइल है तो पहले सबसे पहले आप लिखोगे थ्री पर थ्री वन वन डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद इसके बाद आएगा फिर थ्री पर इथाइल फिर आएगा सिक्स पर मिथाइल टोटल कार्बन कितने आठ ऑक्ट इन बोलो यही है सबका यही है अरे यस न तो बोलो यार यस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मिटा दू आगे बढ़ते हैं वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डाई कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे अब काफी एग्जाम्पल हो गए यार सर ऑक्टेन ऑक्टीन है बेटा ऑक्टीन ऑक्टीन क्यों लिखा है आठ कार्बन और इन डबल बॉन्ड है ना ऑक्ट वन इन भी लिख सकते हो वन ऑक्टेन भी लिख सकते हो एक ही बात है सर ब्यूटीन यूज कर सकते नहीं बेटा आइसोब्यूटीन यूज नहीं कर सकते आइसोब्यूटीन ब्यूटीन कॉमन नेम में यूज किया जाता है आई पी एस सी नेम में यूज़ नहीं करेंगे आइसोब्यूटीन ठीक है चलो नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट रूल लिखना अगर मल्टीपल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा है इफ टू और मोर डबल बॉन्ड टू और मोर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट प्रेजेंट दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब क्या होगा तो ध्यान रखना जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे मेन चेन में तो पेंटा ओक्टा ब्यूटा प्रोपा ए लग जाता है आगे अभी जब एप्लीकेशन करेंगे ना तो समझ में आएगा जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं पेरेंट चेन में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें बार बार क्यों दूसरा नोट खोलें क्या या पेन चेंज कर लें ठीक है जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड मेन चेन में, में प्रेजेंट होंगे लिखना इफ टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन पेरेंट चेन तो वर्ड रूट के आगे ए लगा देते हैं नोट कर लिया वर्ड रूट के आगे ए लगा जाते हैं है ना जैसे प्रोपा ब्यूटा पेंटा ओक्टा, तो जैसे ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू इसका क्या नाम होगा जल्दी बोलो क्या बोलेंगे इसको वन टू प्रोपा डाइन या प्रोपा वन टू डाईन समझे जैसे आ गया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू देखो वन टू थ्री फोर इसको बोलेंगे ब्यूटा वन थ्री डाई और ये भी लिख सकते हैं वन थ्री ब्यूटा डाईन बोलो क्लियर हुआ वन थ्री ब्यूटा डाइन रूल है याद ही करने पड़ेंगे जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो एक ही कंपाउंड के अंदर पेरेंट चेन के अंदर तो वर्ड रूट के आगे ए लगा देते हैं अच्छा एक चीज देखो मैंने बताई होगी आपको नहीं बताया ध्यान रखना जब लगातार डबल बॉन्ड होंगे तो क्या बोलते हैं बेटा इसको क्यूमिलीन क्यूमिलीन वैसे इसका नाम होता है सबसे छोटी क्यूमिलीन है इसका नाम होता है एलिन एलिन लिखो क्यूमिलीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है क्यों होती है आगे मालूम चलेगा वेरी अनस्टेबल वेरी अनस्टेबल क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड है ना बेटा बॉन्ड सी, सी, सी ये पाई बॉन्ड है इनमें इलेक्ट्रॉन में, में रिपल्शन होता है इसलिए लगातार डबल बॉन्ड होते हैं ना तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है तो क्यूमिलीन की स्टेबिलिटी कम होती है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लेना क्यूमिलीन बहुत कम स्टेबल है लगातार डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं क्यूमिलीन देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं लिख लेना ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है नोट करो तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन कॉन्जुगेटेड छोटे छोटे चीजें हैं नाम है आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन कब बोलेंगे जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा जब दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होंगे बस एक से तो इसे क्या बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन सी ओ एन जे यू जी ए टी डी कॉन्जुगेटेड डाइन लिख लिया जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो कॉन्जुगेटेड डाइन लगातार डबल बॉन्डे तो क्या बोलेंगे क्यूमुलेटेड क्यूमुलेटेड या डबल एम आता है शायद है ना क्यूमिलीन क्यूमिलीन लिख लिया अगर डबल बॉन्ड दो या अगर डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट से होंगे लिखो इसको अगर ठीक है डाइन क्यों रिदम ने पूछा डाइन क्यों बेटा दो इन है ना तो डाइन बोलते हैं डाइन क्यों बोलते हैं क्योंकि दो इन है दो डबल बॉन्ड है है ना क्यों बोलेंगे जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होंगे उसे भी बोलेंगे क्यूमुलेटेड बहुत अनस्टेबल होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और जिसमें डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड या उससे ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड आइसोलेटेड डाइन डाइन इन सब का यूज आता है आगे ऑर्गेनिक में आइसोलेटेड पूछ लेंगे भाई कोई आइसोलेटेड डाइन बताओ इसमें कौन सी होगी या आइसोलेटेड डाइन की रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो क्या होगा क्वेश्चन के बीच में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसलिए जरूरी है करना लिख लिया आइसोलेटेड डाइन नाम बताओ इसका आई यूपीएससी नॉमन क्लेचर नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव तो क्या लिखोगे पेंट आ पेंटा वन फोर डाई इन पेंटा वन फोर इन चलो ये बताओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री है ना इसका नाम क्या होगा क्यूमुलेटेड होगी कौन सी होगी सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री ये कौन सी होगी आई पी एस सी नॉमन क्लेचर भी लिखो जल्दी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री ये कौन सी होगी आइसोलेटेड क्यूमुलेटेड जल्दी लिखो पहले वाले का आईयूपीएस नॉमन सर प्लीज एक्सप्लेन आइसोलेटेड डाइन समता बेटा आइसोलेटेड डाइन क्या होता है जो जिस डाइन में दो डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं क्लियर है जिसमें दो डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन देखो पहली वाली क्या होगी इसमें क्यूमिलीन होगी है ना पहली वाली क्यूमिलीन वैलेंसी तो पूरी कर लेना भाई चार पहली वाली क्यूमिलीन आई पी एस सी नॉर्मन लिखो जल्दी फटाफट कहीं से भी कर दो 1, 2, 3, 4, 5. तो पहली वाली क्या है क्यूमुलेटेड डाइन है ना क्यूमुलेटेड दूसरी क्या होगी डबल सिंगल डबल देखो डबल सिंगल डबल इसको बोलेंगे बेटा कॉन्जुकेटेड डाइन ये होगी कॉन्जुकेटेड और नीचे वाली होगी आइसोलेटेड नीचे वाली होगी आइसोलेटेड जल्दी से फट। आई पी एस के चेक करो फटाफट आईपीसी पी एस लिखो पहले का क्या लिखोगे पेंटा पेंटा टू थ्री डाई इन पेंटा टू थ्री डाइन यही होगा इसका लिखो फटाफट नंबर यहां से स्टार्ट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव नहीं समझ में आए पूछ लेना मेरे से ना इसका नाम लिखोगे पेंटा नहीं पेंटा से पहले टू मिथाइल टू मिथाइल पेंटा वन थ्री डाइन इसका लिखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है इसको लिखोगे आप थ्री थ्री डायमिथाइल थ्री थ्री डायमिथाइल सेप्टा हेप्टा सॉरी सेप्टा नहीं हेप्टा हेप्टा मिथाइल हेप्टा वन फाइव डाइन बोलो यही है भाई सारे सेकंड रिपीट कर दो सेकंड में बेटा नंबरिंग यहां से करी हमने लोएस्ट नंबर हमें डबल बॉन्ड को देना है इधर से करोगे तो वन पे आ रहा है इधर से करोगे तो किस पे आएगा टू पे आएगा तो क्या लिखेंगे इसको टू मिथाइल पहले सब्सटीटूं का नाम टू मिथाइल पेंटा वन थ्री डाइन ठीक है भाई अरे बताओ हो गया बड़े आगे नेक्स्ट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं और एक पोजीशन पर होते हैं तो इसमें रूल लिखना अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड के अंदर हो तो आई पी एसी क्या होगा जरा बताओ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड के अंदर हो तो आई पी एसी क्या होगा तो ध्यान रखना बेटा अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहां डबल बॉन्ड वन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड फाइव पे आ रहा है नंबरिंग इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वन पे आ रहा है तो ध्यान रखना तो प्रिफरेंस हम प्रिफरेंस हम देते हैं डबल बॉन्ड को लिख लेना अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हो ठीक है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हो तो प्रिफरेंस गिविन टू डबल बॉन्ड लिख लेना तो प्रिफरेंस किसी को किसको देते हैं गिविन टू डबल बॉन्ड लेकिन ये कब है जब दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हो तब देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं ये वन पे आ रहा है इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये वन पे आ रहा है अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम भाई किसको प्रेफरेंस दें नंबरिंग किधर से करें तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजिशन पे आ रहे हो लोक दोनों का सेम आ रहा हो तो प्रिफरेंस गिविन टू डबल बॉन्ड आगे बात समझ में प्रिफरेंस गिविन टू डबल बॉन्ड अब देखो नाम क्या होगा इसका सुनो ध्यान से नाम क्या होगा इसका इसका नाम होगा टोटल कार्बन कितने हो गए फाइव तो लिखोगे पहले सिक्स सॉरी टोटल कार्बन हो गए सिक्स तो पहले लिखोगे हेक्स ठीक है इसके बाद लिखोगे वन ईन इसके बाद लिखोगे फाइव आइन लिखो जरा देखो इन का मैंने एलिमिनेट कर दिया ई ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना होता है देखो जो इन है ये तो लिखा हमने किस में प्राइमरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और इसको हमने क्या बना दिया सेकेंडरी सफिक्स बना दिया है ना सेकेंडरी सफिक्स पीछे तो लिखते हैं इसको हमने सेकेंडरी सफिक्स बना दिया अब एक चीज ध्यान रखना इफ लिखो जरा इंपॉर्टेंट नॉट इफ सेकेंडरी नेम ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट इफ इफ सेकेंडरी सफेक्स लिखते हो साथ साथ मेरे इफ सेकेंड सेकेंडरी सफेक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू and y then e of then e of primary suffix eliminated eliminated लिख लो तो e जो होगा प्राइमरी सफिक्स का एलिमिनेट हो जाएगा लिखा अगर सेकेंडरी सफिक्स a आई ओ यू एंड वाई इससे स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई e एलिमिनेट कर देते हैं जैसे ई e आता तो ई e हटा दिया क्लियर है नोट कर लिया अरे बताओ भाई नोट कर लिया यस yes. मिटा दू ठीक है आगे करके दिखाओ लिखो जरा एग्जांपल। सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू सी ट्रिपल वन सी एच पहले तो इसका नाम बताओ फर्स्ट सेकेंड सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू सी ट्रिपल वन सी एच टू सी एच थ्री थर्ड सी एच टू डबल वन सी एच सी एच सी एच डबल वन सी एच टू हो सी एच टू सी एच डबल वन सी एच टू थर्ड फोर्थ

लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा था है ना और राइट right से नंबरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा था तो हमने प्रिफरेंस किसको दी डबल बॉन्ड को प्रिफरेंस दी लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशन पे नहीं आ रहे हो तो हम लोएस्ट सेट ऑफ लोक देखते हैं देखो यहां से करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड वन पे आ रहा है फिर कहां पे आ रहा है फोर पे आ रहा है अगर मैं नंबरिंग यहां से करता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ क्या आता भाई टू पर आता फिर किस पर आता फाइव पे आता ठीक है तब हम देखते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड ही मान लो इनको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे ठीक है वो तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस कब देते थे जब दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हो आगे, आगे बात में अब इधर क्या करोगे ये लिखोगे आप हेक्स उसके बाद फोर इन और वन आइन मैक्सिमम का बिल्कुल सही है रूल आया समझ में सर रूल समझ नहीं आया बेटा जब दोनों लेफ्ट या राइट से नंबरिंग करने पर नंबर एक ही मिल रहा था या नंबर दो मिल रहा होता तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते हैं लेकिन जब अलग अलग पोजीशन पर होते हैं ना तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं जहां लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर से क्या आ रहा था वन पे आ रहा था और ये फोर पर इधर से कर रहे थे तो थ्री और फाइव पे आ रहा था बोलो समझ में आया आगे अब आप, आप देखो नंबरिंग किधर से करें इधर से करोगे तो फाइव सिक्स सेवन एट तो है मल्टीपल पॉइंट टू पर आ रहा है और किस पे आ रहा है फाइव पे आ रहा है अगर नंबरिंग उधर से करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो कहां से आ रहा है ये आ रहा है थ्री पर और आ रहा है सिक्स पर आ रहा है ठीक है तो किधर से सिलेक्ट करोगे लेफ्ट से सिलेक्ट करोगे ना टू और फाइव इधर क्या आ रहा है? थ्री और सिक्स तो इधर से करोगे है ना लिखो इसके बाद आ गया आपका टू। इन, फिर आ गया आपका फाइव आइन बोलो इजी है याद हो गया होगा रूल नेक्स्ट अब आप बताओ सर इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे या डबल बॉन्ड वाला नेम हमेशा पहले आएगा डबल बॉन्ड वाला नेम पहले आएगा वैसे देखो अब इसके अंदर तीन तीन ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो ऐसी तो कोई चेन होगी नहीं जिसमें तीनों ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हाँ थ्री विनाइल करण गुप्ता ये चेन सेलेक्ट करोगे बेटा नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब ये साइड चेन में आ गया तो मैंने आपको बताया कि साइड चेन में आएगा तो विनाइल पर विनाइल आईयूपीएसी नेम में यूज नहीं करते अभी तक तो मुझे किसी ने भी सही नहीं बताया जल्दी बताओ क्या नाम होगा इसका बिल्कुल सही है चेस्टा। तो क्या लिखोगे इसमें बेटा याद करो मैंने आपको बताया था जब ये कहीं एज अ यूज हो रहा होगा तो एथनाइल अगर डबल बॉन्ड ना होता तो इथाइल इसको बोलेंगे एथ इनाइल फिर क्या लिखोगे आप वन फाइव हेक्सा नवनी सर की गाड़ी हेक्सा हेक्सा इसके बाद डाई इन बोलो यही होगा अब देखो सबका यूज आता है विनाइल क्या होता है एथेनाइल क्या होता है क्लियर है ना चलो नेक्स्ट इसमें ये सिलेक्ट करोगे ना आप ये सिलेक्ट करोगे इसमें ये सेलेक्ट करोगे क्लियर है तो नाम देखो इसका क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आएगा थ्री एथ वाई एन बस ई की जगह वाई एल लगा दो थ्री एथ वाई एन वाई एल इसके बाद कितने कार्बन टोटल वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो ये आएगा वन फोर पेंटा और क्या आ जाएगा डाई इन बोलो क्लियर है पेंटा डाइन रिवाइज बार बार करना पड़ेगा तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ याद करने वाली चीजें हैं ना तो इसलिए बड़ा जरूरी है चलो एक और लिखो जल्दी से हटा दो इसको इसी का कह रही है रिवाइज बार रिपीट कर दो देख बेटा इसको हम प्रेफरेंस देंगे इसको साइड चेन में डाल देंगे ये लॉन्गेस्ट चेन होगी इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले को साइड चेन में डाल दोगे ठीक है जब ये साइड चेन में होगा तो 3H YNYL लगेगा क्लियर हो गया इतना बड़े आ बेटा ये बताओ एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH याद है कुछ प्रोजेक्शन कराया था मैंने साहोर्स प्रोजेक्शन नहीं होता है बताया था ना हाँ जल्दी नाम लिखो फटाफट जल्दी बताओ फटाफट फटाफट कितनी जल्दी बताओगे जल्दी दोनों का नोमल क्लियर करो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इजी है बस कर चुके बहुत इजी है इसको बस हमने प्रोजेक्शन चेंज कर दिया देखो बेटा ये कार्बन है ना तो नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कर लोगे इजिली बिल्कुल ये नंबर यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये कार्बन ही तो होते हैं हो जाएगा इजी हो जाएगा एकदम चलो आगे एडेंट डालो आई यूपीएससी नॉमन क्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आई ऑफ ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसमें पहला रूल लिख लो बाकी रूल सेम है पहला रूल अगर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन से ज्यादा है या बराबर है लिख लेना इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक इन साइक्लिक आईपीसी के जो साइक्लिक कंपाउंड ए साइक्लिक बात होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक इज इक्वल और मोर देन ओपन चेन ये स्टेट चेन ओपन चेन ठीक है इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक इज इक्वल और मोर देन ओपन चेन तो उसका नाम क्या हो जाता है ध्यान रखना उसका नाम हो जाता है एल्काइल देन नेम एल्काइल साइक्लो एल्केन मतलब एल्काइल को ओपन चेन को सब्सटीटेंट मान लेते हैं ओपन चेन को क्या मान लेते हैं सब्सटीटेंट नोट करो और मेन चेन किसको मान लेते हैं साइक्लिक को मान लेते हैं अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक में बराबर हो या ज्यादा हो किससे ओपन चेन से तो हम ओपन चेन को क्या मानेंगे सब्सटीट एल्काइल बन जाएगा और मेन चेन क्या बन जाएगी साइक्लिक वाली है ना एग्जाम्पल करके देखते हैं तब समझ आएगा देखो जैसे ये है बेटा ये है ना तो इसमें कितने कार्बन है तीन कार्बन है देखो तीन कार्बन है और यहां साइड चेन में ये ओपन चेन है इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम लिखोगे इथाइल साइक्लो प्रोपेन इथाइल साइक्लो प्रोपेन क्लियर हुआ जैसे ये है तो इसका नाम क्या होगा प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन ठीक है अगर ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव इसमें भी पांच है इसमें भी पांच है तो बराबर हो या ज्यादा हो तो मेन चेन आपको यही मानना है तो क्या लिखोगे इसको पेंटाइल साइक्लो पेंटेन क्लियर है पेंटाइल साइक्लो पेंटेन लेकिन अगर ये हो गया वन टू थ्री फोर इसमें कार्बन ज्यादा आ गए तब इसको आपको सब्सटिट्यूंट मानना पड़े, पड़ेगा तब ये वन टू थ्री फोर तो इसका नाम होगा बेटा साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन क्लियर हुई बात साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन बोलो अगर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तब तो वो सब्सटीट्यूंट बनेगा है ना मेन चेन क्या बन जाएगा ओपन चेन वाला बोलो क्लियर क्लियर है तो यस लिखो नहीं तो फिर दोबारा बताया जाए आसानी है काफी है ना अब जैसे ये हो गया करके दिखाओ जल्दी बताओ जल्दी क्या लिखोगे पहला दूसरा जल्दी बोलो क्या नाम होगा देखो इसमें कार्बन ज्यादा है तो मेन हो गया एक दो तीन इसको लिखोगे आप प्रोपाइल साइक्लो हैगजेन इसको साइक्लो हैग्जाइल साइक्लो हैग्जाइल साइक्लोहेगजेन साइक्लो हैक्गल साइक्लो हैक्गजेन क्लियर हुआ अगर ये लिख ले हम इधर भी तीन कार्बन इधर भी तीन कार्बन तो मेन इसी को मानेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर होते हैं तो क्या होगा प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन सेकेंड वाला क्लियर नहीं हुआ अब इसके अंदर देखो बेटा क्या होगा दोनों ही कार्बन दोनों ही वो हैं तो इसको साइक्लो एक्साइल साइक्लो एक्जाय नहीं बोलोगे किसी एक को मेन मान लोगे दूसरों क्या मान लोगे गांट मान लोगे है ना आगे बताओ हो गया अब देखो बाकी जो रूल होंगे ना इसमें वो सेम होंगे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप जल्दी करके दिखाओ पहला अभी छोड़ के नहीं भागना जल्दी आप लोग लास्ट में भागने लगते हो दूसरा तीसरा चौथा यार पांचवा बताओ जरा लिखो जल्दी वन टू डाइमिथाइल पैंटेन बिल्कुल सही है वन टू वन टू डाई मिथाइल पेंटेन साइक्लो पेंटेन सॉरी है ना साइक्लो तो लगाओगे वन टू डाइमिथाइल साइक्लो ठीक है ना वन टू इस वाला क्या लिखोगे अब देखो इसके अंदर यह है इथाइल बेटा और यह मिथाइल है तो वन टू इधर से करोगे तब भी वन टू आएगा पर इथाइल है इसको प्रेफरेंस देंगे तो क्या नाम होगा इसका वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन अब देखो यहां पर क्या करोगे वन टू यहां पर आएगा वन वन टू है ना वन वन टू लोकेंड इधर से करोगे तो वन टू टू आएगा तो हम क्या देखते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड तो क्या नाम होगा बेटा इसका टू इथाइल वन वन आया समझ में डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन वो क्लियर क्लियर है? हाँ भाई मैंने इसको वन क्यों नहीं दिया इसको वन क्यों दिया क्लियर हो गया ना इसको वन देता इसको टू देता तो ये होता वन टू टू इसको मैंने वन दिया इसको टू तो वन वन टू है ना रूल आया समझ में पहले कराया हुआ है यस yes. यही लिखा था ना थर्ड वाला अरे यही था अब देखो फोर्थ फोर्थ में नंबरिंग कहाँ से करोगे अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ तो वन टू थ्री यहाँ भी एक ही आ रहा है पर यहाँ पर इथाइल आ रहा है, है. तो है? यहाँ क्या आ रहा है प्रोपाइल आ रहा है तो भाई वन टू थ्री इधर से करोगे अरे बात सुन में मैं? दोनों में से कहीं से भी कर रहे हैं हम ना चेंज कर लेते हैं कलर है ना तुम कभी कंफ्यूज हो रहे हो इसको कर लिया वन ये टू और ये थ्री है ना तो वन टू थ्री इधर से करेंगे तो वन टू थ्री लो बेटा सेम आ रहा है यहां से कर नहीं सकते यहां से करते तो वन टू थ्री फोर फाइव पे आ जाता है ना तो अब यहां पर प्रोपाइल आ रहा है यहाँ क्या रहा है इथाइल आ रहा है तो हम वन इसको ही देंगे तो नाम क्या होगा इसका ये होगा वन इथाइल मिथाइल और प्रोपाइल में टू मिथाइल फिर आता है थ्री प्रोपाइल फिर आएगा साइक्लो पेंटेन बोलो हो गया क्लियर क्लियर आया समझ में वन मिथाइल टू मिथाइल हाँ थ्री प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन ठीक है सबका यही है, है अब थर्व हम्म इसके बाद ये आओ ठीक है अब देखो इसमें नंबरिंग कहां से करोगे अगर मैं लो ये वन टू थ्री और फोर ये करता हूं तो लोकेंट आ रहा है बेटा है वन पर टू टू पर फिर आ रहा है फोर पर अगर मैं कुछ अलग करता हूं इधर से करता हूं वन टू थ्री फोर तो लोकेंट आएगा वन पर फिर आएगा थ्री थ्री फिर फोर पर यहां रहा वन टू टू फोर यहां रहा वन थ्री थ्री फोर या वन टू टू फोर या वन थ्री थ्री फोर तो इसका मतलब इधर से करेंगे नंबरिंग है ना तो नाम क्या होगा इसका फोर ब्रोमो फिर आएगा वन इथाइल फिर आएगा टू टू डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सैन बोलो क्लियर है साइक्लो है क्यों बच्चों क्लियर हुआ सारा कुछ या नहीं यस आसान है काफी सब कुछ इजी है काफी इजी है अब लिखो नेक्स्ट आगे अगर हो गया सबको क्लियर हो गया ठीक है फोर मिथाइल तो रह गया सर फोर मिथाइल रह गया कहाँ रह गया यार फोर मिथाइल इथाइल है तो तो आ गया वन साइक्लो का साइक्लोहेक्न आएगा एक दो ये मेन चेन में तो कितने कार्बन है छह ही कार्बन है ना बोलो बड़े आ गया क्लियर हुआ सर लास्ट में लोकेंट वन वन टू फाइव क्यों नहीं आया वन वन टू फाइव क्यों नहीं आया अच्छा यहां से कर रहे होगे ना तुम यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा यार यहां से करोगे तो गलत आएगा वो सिक्स पे पहुंच गया लास्ट वाला तो यही करेंगे यही सही है बिल्कुल नेक्स्ट अगर सुनना ध्यान से अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है साइक्लिक में या आप जैसे साइक्लिक भी हो और स्ट्रेट चेन भी हो तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएगा ध्यान रखना जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएगा उसको हम मेन चेन मानेंगे चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो ध्यान रखना जिस भी चेन में साइक्लिक में या ओपन चेन में जिसके अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया उसको हम मेन चेन कंसीडर करेंगे नोट कर लो लास्ट रूल रूल क्या है अगर देखो अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो जिस भी चेन में चाहे ओपन चेन हो या स्ट्रेट चेन हो जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको हम मेन चेन कंसीडर करेंगे उसको हम मेन चेन कंसीडर करेंगे लिख लो अगर मल्टीपल बॉन्ड किसी भी चेन में प्रेजेंट हो या साइक्लिक में हो या ओपन चेन में तो मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा लिख लिया आपने वर्ड्स में जैसे एग्जाम्पल ये है भाई ये देखो अब दो ही कार्बन है ना इसको इसमें से दो ही कार्बन है तो आप इसको वन टू इसको मेन चेन तो क्या लिखोगे वन साइक्लो इथीन अब भूल जाओगे किसमें कार्बन ज्यादा है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा उसी को मेन मानोगे ठीक है नेक्स्ट अगर ये आ गया इसमें कितने कार्बन है चार कार्बन है तो भैया मेन इसी को मानेंगे नंबरिंग थ्री अब ध्यान रखना अगर वन इस कार्बन को दिया है तो टू इसी को दोगे डबल को कवर करोगे यानी थ्री पर आ रहा है वन टू थ्री तो क्या लिखोगे थ्री ब्यूटाइल साइक्लो प्रोप इन साइक्लो प्रोपिन देखो जल्दी ये है और यहां पर ये है तो वन टू थ्री वन इसको दिया है टू इसको यहां से वन टू थ्री फोर करते दूर आ जाता वन टू थ्री ये नहीं कि वन इसको देकर टू इसको वन इसको दिया है तो टू इसको कवर करेंगे पूरा ऐसा नहीं कि वन इसको दे दिया फिर टू डबल वन को छोड़ना नहीं है वन टू तो क्या नाम होगा इसका थ्री प्रोपाइल साइक्लोहैक्सीन थ्रो प्रोपाइल साइक्लो लिखो जल्दी चलो तो रूल लिख लिया ना जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको आप मेन चेन कंसीडर करोगे और दूसरे वाले को साइड चेन करोगे है ना वट एवर द नंबर ऑफ कार्बन ठीक है नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो चलो नौ no गए बाकी कल पढ़ते हैं इतना रिवाइज करके आना